देखिए, ये एक बटरफ्लाई है, हालांकि ये डेड हो चुकी है। ये हम जब सफाई कर रहे थे लैब की, थोड़ा सा हम अलमारी के पास में हमने सफाई की, तो वहाँ पर एक मकड़ी का जाला लगा हुआ था और वहाँ पर ये उसमें फंसी हुई थी। तो ये हमने बड़ी सावधानी से इसे निकाल लिया है, और इसको जब हमने देखा तो इसका मकड़ी भी एक एरेक्निडा का मेंबर है, मेंबर ऑर्थ्रोपोडा होता है, और मकड़ी जाल में फंसा करके और जो भी छोटे बड़े उसमें फंस जाते हैं इंसेक्ट, उनका रस चूस लेती है, यही उसका जो है भोजन का मेथड होता है। तो देखिए, ये एक एक तितली है, एक बटरफ्लाई है। अब इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। बटरफ्लाई इंसेक्ट कीट है, संघ इसका ऑर्थ्रोपोडा होता है। यू नो दैट ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थोस पोडो, पोडा यानी कि इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सारे संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं उनमें। और ऑर्थ्रोपोडा संघ यानी ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में भी फिर जो ये इसका जो क्लास है यानी इसकी जो वर्ग होता है वो होता है इंसेक्टा, यानी कीट वर्ग में आता है। तो इससे मैंने थोड़ा सा सोचा कि अपन स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, क्लासिफिकेशन जब इसका करेंगे हम, तितलियां बड़ी सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और बगीचों में फूलों के ऊपर, बाग बगीचों में सभी ने देखते हैं, नेत्रों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है इसे देख करके, देख करके बच्चे बड़े देख करके खुश होते हैं, और ये एक बड़ा सौंदर्य बोध का विषय वस्तु है तितलियाँ। और सौंदर्य बोध ही नहीं, इसके साथ ये जो बायोडाइवर्सिटी है किसी भी स्थान की, जैव विविधता है, उसको भी इंगित करती है कि कितनी तितलियों की प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। ये नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज इज अ वेरी नाइस इंडिकेटर ऑफ द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस। तो मैंने सोचा कि इस पर देखिए, साइंटिफिक स्टडी में बात करें तो ये किंगडम जो है इसका एनिमेलिया, जंतु जगत है, संघ सॉरी जगत, जगत इसका एनिमेलिया है। उसके बाद में फाइलम की बात करते हैं, संघ इसका ऑर्थ्रोपोडा आता है। हमने पहले भी बताया कि ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का ऑर्थ्रोपोडा। फिर क्लास यानी जो वर्ग है वो इसका इंसेक्टा है ना, कीट वर्ग है ये। इंसेक्टा जो है इसी का दूसरा नाम होता है, विद्यार्थियों स्टूडेंट्स, एक्सापोडा। एक्सापोडा क्यों इसका नाम है, एक्सा मीन्स होता है छह, पोडा मीन्स होता है उपांग। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें छह जोड़ी, तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। देखिए, ये तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, इसमें जो थॉरेक्स या इसका जो वक्ष होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, और प्रत्येक पार्ट पर एक जोड़ी उपांग, एक जोड़ी पैर जिसे कहते हैं सिंपल भाषा में पाद या उपांग पाए जाते हैं। तीन जोड़ी का मतलब हो गया तीन दुनी छः, तो छः माने हेक्सा, टोटल छः जोड़ी उपांग होते हैं, सॉरी छः जोड़ी नहीं तीन जोड़ी, टोटल छः होते हैं। तो इसीलिए इंसेक्टा का क्लास इंसेक्टा का ही दूसरा नाम है हेक्सापोडा, ठीक है। इसके बाद में इसके ऑर्डर या इसके गण की बात करें तो गण आता है इसका लेपिडोप्टेरा। जितनी भी बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, उनका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। और यह लेपिडोप्टेरा जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आपको पता है तितलियों के बड़े सुंदर पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो स्केल कवर्ड होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो है लेपिडोप्टेरा। इसके बाद में उपगण की बात करें यानी सब ऑर्डर की बात करें तो वो है रोपेलोसीरा, ये इसका ऑर्डर होता है। लाइफ साइकिल यानी इनका जो जीवन चक्र होता है तितलियों का, ये भी बड़ा रोचक होता है। जीवन चक्र में चार अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये चार अवस्थाएं होती हैं। एडल्ट जो है एग देता है, एग देती है पत्तियों के ऊपर, जो फीमेल एडल्ट होती है वो एग लेइंग करती है और उससे फिर लार्वा निकलता है, ठीक है। और ये लार्वा, इसमें आगे मेटामॉर्फोसिस होता है कि प्रोसेस चलती है तो प्यूपा बनता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें आप कि ये प्यूपा जो होता है इसे स्पेशली या बटरफ्लाइज में इसका नाम होता है क्राइसेलिस, और ये प्यूपा जो है
ककून में कवर्ड नहीं होता है, ये बटरफ्लाइज का, मोस्टली बटरफ्लाइज का जो प्यूपा है वो ककून के अंदर नहीं होता है, जैसे कि आपका ये मोस्ट 100% डोमेस्टिकेटेड जो इंसेक्ट है ना, वो बॉम्बिक्स मोरी, रेशम कीट वाला, उसका ककून के अंदर होता है कवर्ड, इसमें ककून के अंदर कवर्ड नहीं होता है। और प्यूपा में फिर आगे मेटामॉर्फोसिस होता है, तो उससे क्या बन जाता है विद्यार्थियों, उससे एडल्ट बनता है या वयस्क बनता है, जिसमें विंग्स आ जाते हैं, इसका लाइफ साइकिल, फिर लाइफ स्पान बहुत छोटा सा रह जाता है, और इसका काम रह जाता है केवल रिप्रोडक्शन करना, और उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। हालांकि ये तो मकड़ी ने इसको किल किया है, मकड़ी के जाले में फंस गया था ये इसलिए। और कुछ हम बड़े इंटरेस्टिंग कीट की बात करें, तो देखिए बटरफ्लाइज में कैमोफ्लैग पाया जाता है, यानी शत्रुओं से बचने के लिए घटना होती है जिसमें बॉडी में एडेप्टेशंस होते हैं, तो ये घटना कैमोफ्लैग कहलाती है। मिमिक्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मिमिक्री अनुहरण कहते हैं इसे, तो मिमिक्री इज ऑल्सो फाउंड इन बटरफ्लाइज। यहाँ पर दो प्रकार के जीव होते हैं, हानिकारक और अहानिकारक। तो अहानिकारक जो जीव होता है वो हानिकारक जीव का अनुकरण करता है जिससे कि खुद बचा रह सके। तो इस तरह की ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मिमिक्री हिंदी में अनुहरण कहते हैं इसे। तो एक अपन ने जानते हैं एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, इसका हम बहुत नाम सुनते हैं, मिमिक्री जब पढ़ते हैं तो ये मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ही फेमस है, इसको हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं मिमिक्री पढ़ते समय। और एपोसीमेटिज्म, ये घटना भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये बटरफ्लाइज में पाई जाती है। देखिए ये हमें किस काम की है बटरफ्लाइज के, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि हमारी बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका वर्ल्ड में बहुत बड़ा योगदान है पॉलिनेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, रिचनेस के लिए, तो बीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही जो हमारी ये जो बटरफ्लाइज हैं या जो हमारी तितलियाँ हैं, ये भी बहुत सारे फ्लावर्स में पॉलिनेशन करने का काम करती है। और अगला सौंदर्य बोध की बात करें तो ये पॉपुलर मोटिव इन द विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, बहुत सारा जो साहित्य है और उनमें सौंदर्य बोध जो वाला, सौंदर्य बोधात्मक जो साहित्य है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के साहित्य में एक सौंदर्य बोध की दृष्टि से एक पॉपुलर मोटिव रहा है बटरफ्लाइज का। ये इस चीज़ की वजह से ये बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और मतलब आकर्षित करती हैं, इसीलिए ये शायद इसी वजह से ये एक बटरफ्लाई के ऊपर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिला है। बात करें बॉडी डिवाइड्स, बॉडी जो होती है इसकी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, कंसेप्ट क्या है, इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, तीन पार्ट्स होते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड यानी कि शीर्ष, इसमें फिर एंटीना पाए जाते हैं, इसके हेड के ऊपर एंटीना पाए जाते हैं। और थोरैक्स में तीन सेगमेंट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, तो थोरैक्स में यहाँ पर तीन सेगमेंट्स होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट में एक वन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसेक्ट को हेक्सापोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि छः टोटल इसमें लेग्स पाए जाते हैं, तीन जोड़ी। अगला और लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का एब्डोमेन, यानी उदर कहते हैं इसे, तो ये ध्यान रखना है तीन पार्ट्स होते हैं। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एंटीना आर क्लब्ड अनलाइक डोज ऑफ मॉथ्स। अच्छा एक चीज़ और है, बटरफ्लाइज जितनी खूबसूरत होती हैं, मॉथ्स उतने ही थोड़ा सा अनाकर्षक लगते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई वो तितली है, मॉथ होते हैं जिसको हिंदी में शलभ कहते हैं, तो इतने ज़्यादा आकर्षक नहीं होते, तो उसमें और बटरफ्लाई में हमें डिफरेंस करना है। तो मॉथ्स के जो एंटीना होते हैं वो क्लब्ड नहीं होते हैं, मुग्धर के आकार के नहीं होते, जबकि इनके जो एंटीना, क्लब मीन्स होता है मुग्धर, तो इनके जो एंटीना है बटरफ्लाइज के वो मुग्धराकार होते हैं, क्लब्ड होते हैं। नियरली ऑल बटरफ्लाइज आर डायर्नल, हाँ ये दिनचर होती हैं बटरफ्लाइज, आपको कब दिखाई देती हैं, दिन में फूलों के ऊपर मंडराती हुई तितलियाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बनाए गए हैं तितलियों के ऊपर, तो ये डायर्नल होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, दिनचर होती हैं, जितनी भी बटरफ्लाइज होती हैं वो दिवसचारी होती हैं, और इसी वजह से ब्राइट कलर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, इनके विंग्स बड़े ब्राइट और अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा एक और अंतर है मॉथ और बटरफ्लाइज के बीच में, कि होल्ड देयर विंग्स वर्टिकली अबव देयर बॉडीज एट रेस्ट, जब ये बैठती हैं बटरफ्लाइज, जब सेट करती हैं, तो इनकी जो विंग्स हैं, हालांकि ये तो अब डेड हो चुकी है तो ये तो फ्लैट हो गई है, तो इसके जो पंख हैं वो बॉडी से ऊपर रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं, जबकि मॉथ्स में क्या होता है, मॉथ्स ज़्यादातर जो है रात्रिचर होते हैं, नॉक्ट्यूनल होते हैं, रात्रि में विचरण करते हैं और क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, उनके जो विंग्स हैं इतने अच्छे सुंदर और आकर्षक पैटर्न वाले नहीं होते, वो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं,
जो कि उनको वेल कैमोफ्लैग प्रदान करते हैं, यानी शत्रुओं से सुरक्षा। जैसे कि कोई पेड़ का तना ब्राउन कलर का है तो उस पर बैठ गया तो ब्राउन कलर का विंग होंगे उसके, या अगर मान लीजिए काली दीवार पर बैठा है तो काला मौत बैठेगा, तो वो क्या है उसमें हाइड हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लैग कहते हैं, शत्रुओं से उनकी सुरक्षा होती है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि जब मौत जब बैठते हैं तो उनके जो पंख होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ये इस तरीके से, जैसे ये डेड बटरफ्लाई है, अब ये फ्लैट हो गई है, तो मौत अगर बैठेगा तो उसके जो विंग्स हैं जमीन के ऊपर इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा यानी कि क्रिप्टिकली कलर्ड एट रेस्ट विंग्स फ्लैट टचिंग द सरफेस, जो बटरफ्लाइज। दूसरी चीज है जो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होती है, मींस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब ये है, और इसी वजह से इनमें ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है बटरफ्लाइज में। तो ये दैट्स ऑल, ओके।